और दारू के धुत पे कम से कम 20 डॉक्टर इमरजेंसी पे आए और जो लड़की ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त थी उनको गाली गलौज देते हुए, उनको अनपढ़ जाहिल गवार आदिवासी जंगली बोलते हुए उनको ड्यूटी से भगाया गया और उनको बोला गया कि महिला लोग से कुछ नहीं होता, पुरुष जवान को बुलाया जाए। इन दिनों जमशेदपुर का MGM अस्पताल रणभूमि में तब्दील हो गया है, जहां सबसे पहले एक बच्चे की मौत के बाद कुछ लोगों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिसके बाद अस्पताल के सभी जूनियर डॉक्टर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए हड़ताल पर बैठ गए और आज हड़ताल का तीसरा दिन है। तो वहीं इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां होमगार्ड के जवानों का आरोप है कि कल रात नशे की हालत में करीब 20 से 25 की संख्या में डॉक्टरों ने एक महिला होमगार्ड जवान के साथ बदसलूकी की, उसे जाति सूचक गाली दी गई। इसके बाद आज सभी होमगार्ड के जवान डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने साक्षी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। उनको अनपढ़ जाहिल गवार आदिवासी जंगली बोलते हुए उनको ड्यूटी से भगाया गया और उनको बोला गया कि महिला लोग से कुछ नहीं होता, पुरुष जवान को बुलाया जाए। जब वो बोले कि हमारी ड्यूटी इमरजेंसी पे हम क्यों जाएं, तो इनको धक्का मुक्की करके हटाया गया कि गार्ड रहने के बावजूद हम लोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है, जवान आने के बाद भी वो लोग उन लोगों से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर कम से कम कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद ये अनपढ़ वाला जाहिल एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हमें सुरक्षा के लिए रखा गया कि हमें लाठीचार्ज के लिए रखा गया? MGM अस्पताल में चल रहे होमगार्ड जवान और डॉक्टर के बीच इस लड़ाई को देखते हुए भारी संख्या में QRT को तैनात कर दिया गया है। इधर डॉक्टर ने ये साफ कह दिया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जो कल्प्रिट्स है, जो एक्चुअल अक्यूज्ड है, जिन्होंने डॉक्टर के साथ जानलेवा हमला किया है, उनको मारा पीटा है बेरहमी से, जब तक वो खुद स्वयं पकड़े नहीं जाते स्ट्राइक जारी रहेगी। ये निर्णय सर्वसम्मति से सभी डॉक्टर्स ने, सरकारी गैर सरकारी सब ने मिलकर लिया है। स्ट्राइक अभी जारी रहेगा। पुलिस का दावा है कि हम लोग शाम तक पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 घंटे में पकड़ लेंगे, हमें सूचना दीजिए, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। सिंगल डिमांड जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, नो अगल बगल वाले, जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, जो वीडियो में क्लियर कट डॉक्टर को मारते हुए दिख रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। उसके अलावा डॉक्टर्स की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर जो सुरक्षा के व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। और एक पुलिस पिकेट की डिमांड बहुत सालों से है, सुपरिटेंडेंट सर ने यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया, उनके अनुसार कल ही भेज दिया है, तो पुलिस पिकेट की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं भी होता है, एक पुलिस टीम जिसमें एक ASI साहब हो, 3-4 कॉन्स्टेबल्स हो, उनको MGM अस्पताल, जो एक बड़ा अस्पताल है, यहाँ तुरंत डेप्यूट करना चाहिए, ये होना चाहिए। किसका सहयोग आप लोगों को मिला है? ये इसमें MGM के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये प्रोटेस्ट खाली MGM में नहीं हो रहा है, ये पूरे जमशेदपुर शहर के डॉक्टर भी शामिल हैं, आप जाके देख सकते हैं, हमारे पास सबके मैसेजेस हैं कि सबके क्लिनिक बंद हैं।